धन गुरु रामदास पातशाह महाराज साहब जी अज उन्हां दा गुरियाई दिहाड़ा है। महाराज साहब जियां दी उम्र बड़ी छोटी है, एक साल दे सन जदों माता जी चढ़ाई कर गए। उस वेले पिता बाबा हरदास जियां ने अपने कोल रख के लाहौर दे विच पालिया ते अजे 7 साल की उम्र ही होई है कि उस वेले पिता जी भी चढ़ाई कर गए। तो गुरु रामदास पातशाह महाराज साहब जी ने फिर नानके पिंड बासरके विखे नानी जो है ना महाराज साहब जिया की लै आई। हुण गुरु अमरदास महाराज का नगर भी बासरके ही है। संगतां दे नाल आप गुरु रामदास पातशाह जी गोइंदवाल की धरती ते आ गए दर्शन करन वास्ते। बहुत थावां ते असीं इह बचन सुणदे हाँ, गुरु रामदास जी का नाम भाई जेठा करके आपां सुणदे हाँ, पर बचन यह है भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच गुरु रामदास महाराज जी का नाम भाई जेठा किते भी नहीं आया है। जिवें गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम भाई लहना है ना, तो भाई लहना नाम गुरबाणी विच आया, लहने धरियोन सत सिर। भाई लहना जी का नाम आया, गुरु अंगद साहब का पहला नाम गुरबाणी विच आया है। पर जे गुरु रामदास महाराज जी का नाम भाई जेठा हुंदा ते किते ना किते गुरबाणी विच जरूर महाराज इशारा दिंदे। महापुरखां दा वचन यह है भी गुरु रामदास महाराज का नाम गुरु रामदास ही सी। जेठा ते तां उन्हां दे नाम दे नाल लग गया क्योंकि घर दे विच उह वड्डे पुत्र सन, ते आम ही वड्डे नूं जेठा जेठा कहा जांदा है। जेठा उन्हां दा नाम नहीं है, जेठा ते केवल वड्डे होण करके उन्हां नूं कहण लग पए, पर नाम उन्हां दा रामदास ही है। अमर दी दात प्राप्त करके फिर गुरु रामदास वाहिगुरु जी गुरु की प्राप्ति करके गुरता गद्दी ते बैठ के फिर गुरु रामदास पहला नाम रामदास है, गुरु बन करके गुरु रामदास। जिहड़ा जेठा नाम आपां आख दिंदे आ उह वड्डा होण करके जेठा कहा जांदा, पर जेठा नाम नहीं सी महाराज जी का। रौ विचार यह है गोइंदवाल की धरती ते महाराज आ गए। इत्थे आ के महाराज जिया ने बेअंत सेवा की, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज साहब जिया की। जिस बौली विच आप संगतां इशनान करदे हो ना, 84 पाठ करके आपां इशनान करदे हाँ, इस बौली की कार सेवा गुरु रामदास पातशाह ने आप सिख अजे सिख ने गुरु पदवी ते विराजमान नहीं होए, मिट्टी दियां टोकरियां आप सिर ते चुक चुक के महाराज ने इत्थों कढ़ियां। ये बौली की सेवा आप कराई है। आपां वड्डे भागां वाले सिख हाँ जो गुरु पातशाह दे ऐसे तीर्थ दे दर्शन करदे और इशनान करदे। अज कुछ लोग शंका करते कहन लगे वेखो जी कदे इशनान करके भी 84 कट्टी जाती है। गुरमुखो उस जगह पर असी इशनान करते पे हाँ जिस जगह पर साढ़े गुरु ने सेवा की है, तीर्थ बनाया है, नाल नाल सतगुरु सानू जपजी साहब का पाठ भी तो बख्शिश करते पे। भाई गोपाला जी दे कोलों एक जपजी साहब का पाठ सुन के महाराज गुरियाई देने वास्ते तैयार हो गए। गुरु क्या सिखा तेरे कोलो, ते गुरु अमरदास पातशाह 84 पाठ करवाउंदे पै, ते तू वह पाठ करेगा तो क्यों नहीं दात मिलेगी, सतगुरु झट ही मुक्त भी कर देंदे। ये शंकावादी लोग शंका करदे, भरम विच नहीं पैना है। महाराज ने बौली ला के इशनान का महात्म दस्या 84 कट्टी है। इस तरह महाराज साहब जी ये सारी सेवा करवाउंदे रहे। उस वेले गुरु अमरदास पातशाह जिया की संगत विच बीबी रजनी जी जिन्हों का पति कूड़ा पिंगला सीगा, मन में शंका हो गया भी मेरा पति इस व्यक्ति ने मारता, तो सोहना सुनख्या व्यक्ति उदी जगह पर बैठ गया। रौला पैंदा वेख के लोग जिहड़े सन गुरु अमरदास पातशाह जी दे कोल आए, महाराज बीबी का यह झगड़ा है। पातशाह ने पूछया तो उस वेले दस्या, कहन लगी जी मेरा पति तो कूड़ा पिंगला सी, ये नौजवान कहिंदा मैं तेरा पति हाँ। महाराज ने आख्या बीबी तेरे सत नूं भाग लगा है, तू सती है ना, रब दे हुक्म नूं मन्निया, ये तेरा ही पति है, इहदा कोढ़ दा रोग ठीक हो गया है। पर होया कित्थे है, बीबी ने दस्या कि तुंग पिंड दे नेड़े ओह जगह बणी है बेरियां दे बहुते झुंड दे वे, ते सतगुरां ने उस वेले गुरु रामदास पातशाह नूं भेजिया। गुरमुखो आपां ये शब्द गुरु रामदास पातशाह जो कह रहे हैं, अजे गुरु पदवी मिली नहीं है, नाम उन्हां दा रामदास है, पर इस वेले आपां इन्हां नूं गुरु शब्द के नाल ही महाराज का नाम लवांगे।
उस वेले जा के वेख्या उस सारी जगह नू, ते फिर गुरु अमरदास पातशाह ने आख्या चलो फिर जाके उत्थे सेवा करवाओ। फिर पातशाह गुरु रामदास महाराज जी ने उत्थे सेवा शुरू करवाई है। सेवा करवाउंदे फिर पिछों सुनिया चले गया कि महाराज जी आप वापस आ जा। वापस आ गया फिर गोइंदवाल की धरती ते। इत्थे फिर महाराज एक होर परख करन लगे, कहन लगे साढ़े बैठन वास्ते सोहणे जिहे थड़े बनाए जाण। एक थड़ा गुरु रामदास पातशाह जी नूं आख्या, एक महाराज साहब जिया दे नाल जिहड़े दूजे सिख ने पातशाह जी दे उन्हां नूं होया, सो तुसीं ये थड़ा बनाउणा है। जदों थड़ा बना लैंदे ते सतगुरु पातशाह शाम नूं वेखण वास्ते चले जांदे। उस वेले भाई रामा जी जिहड़े सन उह बनाउंदे थड़ा, ते महाराज साहब जी कहिंदे वी नहीं ये थड़ा सही नहीं बनिया जिवें दा असीं आख्या। फिर गुरु रामदास पातशाह कोल आ जांदे, कहिंदे तुहाडा थड़ा वी भाई पुरखा सही नहीं बनिया। उस वेले दोने सिख ही आखदे, महाराज दे दोने रिश्तेदारी दे विच सतगुरां दीआं धीआं इधर व्याहियां होईआं, बीबी भानी जी गुरु रामदास पातशाह दे नाल व्याही होई है, ते भाई रामा जी दे नाल महाराज जीआं दी वड्डी धी बीबी दानी जी व्याही होई है। ये दोनों ही रिश्तेदारी विच महाराज साहब जीआं दे रिश्तेदार ने। उस वेले दोने ही कहन लगे चलो महाराज दोबारा बनाउंदे। अगले दिन दोबारा फिर थड़ा बनाया, फिर निरीखण होया, पातशाह कहिंदे नहीं भाई सही नहीं बनिया जिवें दा असीं आख्या है। दो वारी चार वारी पांच सत्त वारी थड़ा बनवाया वार वार, और वार वार ही कह देंदे भी सही नहीं बनिया। जदों किन्नी वारी ये बचन किया तो उस वेले भाई रामा जी कहन लगे महाराज थड़ा तो मैं उस तरह का ही बनाया जिवें दा तुसीं कहिंदे हो, पर गल ये है भी तुसीं बुढ़े हो गए हो, तुहाडी उमरा हो गई है इस वेले 95-96 साल की, तो बुढ़े बंदे नूं बहुता चेता नहीं रहिंदा है, तुसीं आख के पुज जांदे हो अगले दिन तुहानूं आप नूं चेता भुल जांदा। मैं तो थड़ा सही बनाया है तुहानूं याद भुल गया तुसीं की कह के गए हो। उस वेले सतगुरु पातशाह ने सुनिया बचन, बचन तो यह है कि भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। गुरु कदे भुलदा नहीं है, पर भाई रामा जी ने कहा भी तुसीं भुल गए हो। सतगुरां ने बचन सुनिया तो हस पै कहन लगे वेखो कैसा सिख है, ये गुरु दे विच ही गलती कढ़दा पिया भी गुरु गलत है तो मैं सही है। कहन लगे कोई गल नहीं भाई पुरखा, चलो उम्र दे नाल हो जाता वाधा घाटा, तेरा बचन भी मन लैंदे हाँ। इतों चल के फिर जिथे गुरु रामदास पातशाह ने थड़ा बनाया उत्थे चले गए। थड़े नूं वेख के आखन लगे भाई पुरखा थड़ा तो तेरा भी सही नहीं बनिया जिवें दा असीं आखदे उवें दा नहीं बनिया। उस वेले दोने हाथ जोड़ के आख्या महाराज असी तो भुलनहार हाँ, साडा काम ही गलतियां करना है, जे असी भुलीए ना तो महाराज फिर तुहाडे सिख किवें बणीए, तुहाडे सिख बने हाँ क्योंकि भुलनहार हाँ, कृपा करो महाराज आप जी मैनू इहो जी श्रेष्ठ मत बख्शिश करो कि मैं जिवें दा तुसीं कहिंदे हो मैं उवें दा बना सकां। महाराज असी अलपग हाँ, हम अवगुण भरे एक गुण ना, अवगुणा दे भरे हो महाराज, असी तुहाडी महिमा किवें जाण सकदे हां, कृपा करो। इहो ही बचन कीता, ये नहीं आखिया अपने दूजे सांडू दे वांग भी महाराज तुसी बुढ़े हो गए, नहीं महाराज साडे विच गलती दोष साडे विच है। सतगुरु पातशाह ने वेख्या भी ये बचन दे विच पूरे उतरदे पए। उस वेले महाराज साहब जीआं ने ये बचन तो गुरमुखो वैसे पहला ही महाराज ने गुरियाई तो बाद विच दित्ती है, बचन तो गुरु अमरदास पातशाह ने बड़ा समा पहला ही कर दिते सन भी ये गुरियाई गुरु रामदास पातशाह नूं मिलेगी। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह महाराज अपने ध्यान दे विच बैठे हुए पीड़ा साहब के उपर विराजमान सन अपने पलंघे के उपर, तो गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज बड़े छोटे सन रिड़दे सन उस वेले बेड़े दे विच, ते रिड़दियां रिड़दियां जाके अपने नाने दे मंजे नूं जाके हथ पा लिया। जदों मंजे नूं हथ पा के खड़े होए ना तो मंजा हिलिया, ते गुरु अमरदास पातशाह दे नेत्र खुले, नेत्र खोल के उन्होंने बचन आख्या। कहन लगे ओ भाई पुरखा बड़ा काला पै गया साडी जगह ते बैठन वास्ते, इस जगह ते पहला तेरे पिता ने बैठना है, उहदे तों बाद भी तू बैठेगा, ये तेरे कोल आवेगा तख्त साडा, पर आवेगा पिता तेरे तों तेरे कोल बाद विच आवेगा। ये बचन महाराज ने बचपन दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह दे ये बचन पहला ही भविखत बचन महाराज ने कह दिते सन। कौन पुरख जन्म्यो अस भारी, ये बचन आखे भी केड़ा एहो जिहा भारी पुरख पैदा होया
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੱਖੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆਓ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 5 ਪੈਸੇ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖ਼ਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪੱਕ ਪਤ, ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ, ਸਾਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖ਼ਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਏਕੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। 4ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ